आगे बढ़ते, खजुराहो में इंडिया अलायंस आज समर्थन का ऐलान कर सकता है। सीट शेयरिंग में खजुराहो सीट समाजवादी पार्टी के खाते में गई थी, जहां से समाजवादी पार्टी ने मीरा यादव को उम्मीदवार बनाया था, लेकिन सपा प्रत्याशी मीरा यादव का नामांकन रद्द हो गया था। इसके बाद इंडिया अलायंस अन्य प्रत्याशी या फिर निर्दलीय को समर्थन दे सकते हैं। हालांकि कांग्रेस ने फॉरवर्ड ब्लॉक के प्रत्याशी राजा भैया को समर्थन देने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन राजा भैया के नाम पर समाजवादी पार्टी ने आपत्ति जताई थी। तो देखिए, सपा प्रत्याशी मीरा यादव का तो नामांकन रद्द हो गया था, लेकिन अब देखना यह होगा कि राजा भैया के समर्थन को कांग्रेस ने प्रस्ताव रखा था लेकिन सपा ने आपत्ति जताई थी, क्या कुछ और रहता है वो दिलचस्प रहने वाला है। खजुराहो में इंडिया अलायंस समर्थन का ऐलान कर सकता है, तो सीट शेयर में समाजवादी पार्टी के खाते में ये सीट गई थी और मीरा यादव को प्रत्याशी बनाया था, जिनका नामांकन रद्द हो गया था। बड़ी खबर आपसे हम साझा कर रहे हैं, मीरा यादव को सपा का उम्मीदवार बनाया गया था और सपा प्रत्याशी का ये नामांकन भी रद्द हुआ था, जिसके बाद काफी सियासी सरगर्मियां बढ़ी थी। हालांकि निर्दलीय को इंडिया अलायंस अपना समर्थन दे सकता है। कांग्रेस ने राजा भैया को समर्थन देने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन सपा ने इस पर ऐतराज जताया था। अब देखना यह होगा कि क्या निष्कर्ष निकलता है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपसे साझा कर रहे हैं। तो कांग्रेस तो समर्थन दे रहा है राजा भैया को, लेकिन अब देखना यह होगा कि एकता किस जगह नजर आती है, क्योंकि सपा प्रत्याशी का नामांकन तो रद्द हो चुका है। अब इंडिया अलायंस किसके समर्थन का ऐलान करता है, यह देखना बाकी है। प्रमोद हमारे साथ एक बार फिर से लाइव जुड़े हैं। प्रमोद, सपा प्रत्याशी मीरा यादव का नामांकन रद्द हुआ, अब समर्थन की बात की जा रही है इंडिया अलायंस की ओर से, तो फिर क्या और जानकारी मिल पा रही इससे जुड़ी? प्रमोद, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी, सुन पा रहा हूं। जी, सवाल ये कि मीरा यादव का नामांकन रद्द और इंडिया अलायंस अब समर्थन के ऐलान की बात कर रहा है, क्या जानकारी मिल पा रही है? एग्जैक्टली, देखिए, विपक्षी जो पार्टियां हैं वो अब तक एकजुट नहीं हो पाई हैं कि आखिरकार खजुराहो लोकसभा सीट पर किसको प्रत्याशी बनाया जाए। दरअसल सीट शेयरिंग में समाजवादी पार्टी के हिस्से में यह सीट आई थी, लेकिन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मीरा यादव का नामांकन रिजेक्ट हुआ और उसके बाद से जो विपक्षी पार्टियां हैं वो किसी एक नाम को लेकर सहमति नहीं जता पाई। हालांकि पिछले दिनों कांग्रेस पार्टी ने एक सूचना जाहिर की थी कि जो रिटायर्ड आईएएस हैं राजा भैया प्रजापति, उनको समर्थन दिया जाएगा, लेकिन समाजवादी पार्टी ने इसका विरोध कर दिया। उसके बाद कांग्रेस पार्टी को बैक करना पड़ा और अब तक समाजवादी पार्टी ये क्लियर नहीं कर पाई है कि आखिरकार किस प्रत्याशी को वो अपना समर्थन देंगे। हाँ, ये बात सही है कि पीसीसी चीफ जीतू पटवारी कह चुके हैं कि बीडी शर्मा के सामने विपक्षी गठबंधन का प्रत्याशी होगा, वो किसी एक पार्टी के प्रत्याशी को समर्थन देंगे, लेकिन वो समर्थन किसको देंगे, कब देंगे, ऐसा ना हो कि प्रचार के लिए भी कुछ दिन शेष बचे उसके बाद नाम तय हो। कुल मिलाकर ये बात साफ जाहिर हो रही है, अब तक किसी एक व्यक्ति को, एक प्रत्याशी को विपक्षी पार्टियों के समर्थन ना देने से कि विपक्षी एकता कमजोर है, किसी एक नाम को लेकर एक राय नहीं बन पा रही है। निश्चित तौर पर शुक्रिया प्रमोद हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए।